सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज आप लोगों के भूगोल विषय के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं भूगर्भ की बनावट और इसकी चट्टानों के विषय में। तो सबसे पहले हम भूगर्भ की बनावट को देखेंगे, किस तरीके से आपका जो भूतल है आपके पृथ्वी का वो किस तरीके से बना हुआ है, किन किन चट्टानों से बना हुआ है और इसमें कौन कौन सी धातुएं हैं मुख्य रूप से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले देखिए भूगर्भ की बनावट में पृथ्वी का ऊपरी भाग अवसादों से बनी परतदार चट्टानों से है, यानी कि जो पृथ्वी का ऊपरी भाग है वो अवसादों से बनी हुई परतदार चट्टानों से निर्मित है। इसकी गहराई और घनत्व दोनों ही बहुत ही अधिक है। इसके ऊपरी परत में ग्रेनाइट चट्टान की प्रधानता है। संरचना की दृष्टि से पृथ्वी के आंतरिक भाग को तीन मुख्य परतों में विभाजित किया गया है, यानी कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है या पृथ्वी का आंतरिक भाग है उसे हम मुख्य तीन भागों में विभाजित करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है सियाल परत। रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह परत सिलिका और एल्यूमिनियम की परत से बनी है, इसलिए इसे सियाल भी कहते हैं। यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। इसमें चट्टानें ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। इसका घनत्व 2.7 तथा इसकी मोटाई 100 किलोमीटर है, यानी कि जो सबसे ऊपरी परत होती है पृथ्वी की आंतरिक संरचना में वो होती है सियाल, और सियाल के अंतर्गत सिलिका और एल्यूमिनियम, इन्हीं दो से ये परत बनी हुई होती है। इसीलिए सिलिका और एल्यूमिनियम को मिला करके क्या इसको बोलते हैं, सियाल। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इसमें चट्टानें ठोस अवस्था में होती हैं, इसका घनत्व आप देख सकते हैं और इसकी मोटाई कितनी है, 100 किलोमीटर है। तो घनत्व याद रखिएगा, मोटाई याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है दोस्तों। अब इसके बाद है सीमा। सियाल के बाद आता है सीमा। यह पृथ्वी की मध्यवर्ती परत है, इसे अधः स्तर भी कहा जाता है। इसमें सिलिका और मैग्नीशियम तत्वों की प्रधानता है, इसलिए इसे सीमा कहा जाता है। इसका विस्तार 100 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर के बीच है। इसमें चट्टानें द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। दोस्तों, सीमा की क्या विशेषता है, सीमा में सिलिका और मैग्नीशियम, यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर के ये परत बनी होती है। और यहाँ पर देखिए इसमें जो चट्टानें होती हैं वो किस अवस्था में होती हैं, द्रव अवस्था में होती हैं। तो सीमा मध्यवर्ती चट्टान है, आप याद रखिएगा। इसके बाद है निफे। यह पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है। इसकी संरचना निकल तथा फेरियम से मिलकर के हुई है, इसलिए इसे निफे कहा जाता है। यह 2900 से लेकर के 6400 किलोमीटर तक पाई जाती है। तो दोस्तों, इस तरीके से आपने सियाल, सीमा और निफे देखा, यानी कि सियाल में सिलिका और एल्यूमिनियम, सीमा में सिलिका और मैग्नीशियम और निफे में निकिल और फेरियम। यहां से आप नाम मैच कर सकते हैं कि शॉर्ट में यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, ताकि आप बिल्कुल इसको याद रख सकें और आसानी से आपको अगर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आए तो वो आसानी से आप उसको सॉल्व कर सकें। तो अब चलिए अब हम चट्टान के बारे में पढ़ेंगे। चट्टान देखिए, पृथ्वी के ऊपरी ठोस भाग को भू परपटी कहा जाता है। इस भू परपटी का निर्माण चट्टानों द्वारा हुआ है। चट्टानों से आसे खनिज पदार्थों के योगफल से है, चाहे ये पदार्थ ग्रेनाइट जैसे कठोर हों या मिट्टी जैसे मुलायम। वे सभी प्राकृतिक पदार्थ जो भूगर्भ तथा धरातल के ऊपर पाए जाते हैं चट्टानें कहलाती हैं या चट्टान कहलाते हैं। यानी कि पृथ्वी के ठोस भाग को, भू परपटी को ही हम चट्टान कहते हैं। इसके अंदर आप पता है विभिन्न प्रकार की मिट्टियां होती हैं और भी बहुत सारी चीजें, जैसे और जैसे कि आप बता सकते हो कि जो अलग अलग कठोर पदार्थ होते हैं, या फिर ये कहें कि जो बहुत सारी चीजों से निर्मित होते हैं जिसमें आपकी बहुत सारी धातुएं भी आती हैं। तो ये सब चीजें जो मिलकर के बनी होती हैं, जो पृथ्वी की ऊपरी चट्टान को बनाते हैं, चाहे उसमें कोई धातु आती हो, अधातुएं आती हो, मिट्टी आती हो, बालू आते हो, ये सभी चीजें मिलकर के क्या बनाते हैं, ये सभी मिलकर के चट्टान बनाते हैं, भू परपटी का निर्माण करते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, चट्टान कहते हैं। अब चट्टानें तीन प्रकार की होती हैं। सबसे पहली चट्टानें हैं आगरी चट्टानें। पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से जिन चट्टानों का निर्माण हुआ है उन्हें आगरी चट्टानें कहा जाता है। जो चट्टानें द्रव पदार्थ के ठंडे होने से ठोस अवस्था में बदल गई हैं वे आगरी चट्टानें कहलाती हैं। यानी कि ये जो चट्टानें थी, आगरी चट्टानें, ये पहले द्रव पदार्थ थी। द्रव पदार्थों के ठंडे होने से ये ठोस अवस्था में बदल गई और
इसीलिए इन्हें हम आग्नेय चट्टाने कहते हैं। आग्नेय का मतलब आग से होता है, आग मतलब जलती हुई चट्टाने, जलती हुई द्रव अवस्था में चट्टाने, जब ये ठंडी हुई तो ठोस अवस्था में आ गई। आग्नेय चट्टाने भूपृष्ठ की प्राचीनतम चट्टाने हैं। ये भी आप याद रखिएगा कि सबसे पुरानी चट्टाने कौन सी हैं, तो आग्नेय चट्टाने हैं। इनका निर्माण अतीत में उस समय हुआ जब पृथ्वी पर कोई जीव अथवा वनस्पति नहीं थी। यानी कि जो आग्नेय चट्टाने हैं वो बहुत ही पुरानी चट्टाने हैं और सबसे पहले इन्हीं चट्टानों का निर्माण हुआ था, तो इसीलिए सबसे प्राचीनतम चट्टाने हैं। अब देखिए, इन चट्टानों का निर्माण तभी हो चुका था जब पृथ्वी पर ना तो कोई जीव जंतु थे ना ही कोई वनस्पति थी। अब आप समझ सकते हो कि कितनी पुरानी चट्टाने हैं ये। ज्वालामुखी क्रिया के से आज भी इस चट्टान का निर्माण जारी है, यानी कि ज्वालामुखी क्रिया से आज भी इस चट्टान का निर्माण एक तरीके से चल रहा है और अभी भी आग्नेय चट्टाने निर्मित हो रही हैं। आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। स्थिति के अनुसार आग्नेय चट्टाने 3 प्रकार की होती हैं। अब आग्नेय चट्टाने भी 3 प्रकार की होती हैं, तो उनको भी पढ़ेंगे। सबसे पहले आग्नेय चट्टानों में है पाताली आग्नेय चट्टाने। भूगर्भ का जो लावा धरातल पर न आकर भीतर ही अधिक गहराई तक ठंडा होकर जम जाता है, उसे पाताली आग्नेय चट्टाने कहते हैं। ग्रेनाइट चट्टाने इसका प्रमुख उदाहरण है। यानी कि पाताली आग्नेय चट्टाने, जब भूगर्भ के अंदर लावा गर्म होता है तो वह जब ज्वालामुखी के रूप में उसे बाहर आना चाहिए, लेकिन वो बाहर ना आकर के अधिक गहराई में अपने ही अंदर ठंडा होकर जम जाता है, तो इस वजह से इसे हम पाताली चट्टाने कहते हैं। और इससे किसका निर्माण होता है, ग्रेनाइट चट्टानों का। तो एग्जाम में पूछ सकता है, तो आप याद रखिएगा। इसके बाद है मध्यवर्ती आग्नेय चट्टाने। भूगर्भ से निकलने वाला लावा धरातल तक न पहुंचकर मार्ग में मिलने वाली दरारों में ठंडा होकर जम जाता है, उसे मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान कहते हैं। डोलोमाइट इसी प्रकार की चट्टान है। यानी कि जब भूगर्भ से निकलने वाला लावा धरातल तक न पहुंच करके बल्कि मार्ग में जो मिलने वाली दरारें होती हैं या कहीं गड्ढे होते हैं उन सब में भर करके जम जाती है, तो ये मध्यवर्ती आग्नेय चट्टाने कहलाती हैं। और यहाँ पर देखिए डोलोमाइट इसका एग्जाम्पल है। तो डोलोमाइट याद रखिएगा आप, मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है। इसके बाद दोस्तों देखिए तीसरा है ज्वालामुखी आग्नेय चट्टाने। भूगर्भ का मैग्मा जब धरातल पर पहुंच जाता है तो उसे लावा कहते हैं, और जब यही लावा ठंडा होकर धरातल पर जम जाता है तो उसे ज्वालामुखी आग्नेय चट्टाने कहते हैं। बेसाल्ट चट्टान इसका एक प्रमुख उदाहरण है। यानी कि जब ज्वालामुखी क्रिया होती है तो उसके अंदर से ढेर सारा गर्म लावा, जलता हुआ गर्म तरल पदार्थ रेड कलर का निकलता है, लाल कलर का लावा निकलता है और वह धरातल पर पूरा फैल जाता है। फैलने के बाद क्या होता है, गर्म लावा होता है बिल्कुल पिघलता हुआ, और जब वो धरातल पर फैलता है तो धीरे धीरे ठंडा होता है और ठंडा होकर के जम जाता है। तो इस तरीके से ज्वालामुखी आग्नेय चट्टाने बनती हैं, और जो बेसाल्ट चट्टान है वो इसका एक प्रमुख उदाहरण है। किसका, ज्वालामुखी आग्नेय चट्टानों का। अब चलिए देखते हैं आग्नेय चट्टानों की विशेषताएं क्या होती हैं। एग्जाम में आप लोगों के पूछ सकता है। ये चट्टानें प्रायः रवेदार होती हैं। इन चट्टानों में परतें नहीं पाई जाती हैं, तो एग्जाम में याद रखिएगा कि आग्नेय चट्टानों में परतें नहीं पाई जाती हैं। इन चट्टानों की कठोरता अत्यधिक होती है। क्यों अत्यधिक होती है, क्योंकि एक बार बहुत ही तेज गर्म होने के बाद ये बिल्कुल जम जाती हैं ठंडा होने पर। इसके बाद देखिए इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं यानी कि जो मरे हुए जीव जंतु होते हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, वो धीरे धीरे दोस्तों बिल्कुल बहुत वर्षों तक एक ही तरीके से एक ही जगह पर रखे रखे वो बिल्कुल धीरे धीरे वो किस में परिवर्तित हो जाते हैं, वो उर्वरक में परिवर्तित हो जाते हैं। या फिर ये कहें कि जहां पर भी मान लीजिए कभी किसी समय वहां पर बहुत आंधी आई हो या फिर बहुत तूफान आए हो, भूकंप आने की वजह से वहां पर जो जीव जंतु रहे हो, पेड़ पौधे रहे हो, एक ही जगह पर दब गए हों, तो ऐसी स्थिति में कभी कभी वहां पर क्या होता है कि उसी जगह से आप देखोगे कि ऑयल निकलने लगता है। ठीक है, ऑयल निकलने लगता है और उस ऑयल का वो स्रोत बन जाता है, या ये कहें कि तेल शोधक केंद्र वहां पर बना दिए जाते हैं सरकारों के द्वारा, क्योंकि उस जगह पर तेल निकलने लगता है या विभिन्न प्रकार के खनिज तत्व निकलने लगते हैं। तो इस स्थिति में यहाँ पर यही बताया गया है कि जो आग्नेय चट्टाने होती हैं उसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते, जीवों का कोई भी अंश नहीं पाया जाता। यानी कि जो पहले इस तरीके से पेड़ पौधे टूट करके या फिर जीव जंतु जो ऐसे हैं जो मर गए हैं, तो इन सभी के जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आप ये याद रखिएगा। तो इस तरीके से आज आपने देखा भूगर्भ की बनावट किस तरीके से सियाल, सीमा और निफे से मिलकर के बना हुआ है।
और इसमें कौन कौन सी चट्टाने हैं, जिसके अंतर्गत आपने आग्नेय चट्टान के विषय में पूरा पढ़ लिया। अब इसके बाद औसादी चट्टाने और रूपांतरित चट्टानों के विषय में हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये पूरा जितना मैंने यहाँ पर पढ़ाया आप लोगों को भूगर्भ की बनावट से लेकर चट्टानों के विषय में ये सभी आपको अच्छे लगे होंगे पूरा दोस्तों, अच्छे से समझ में भी आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहन हमसे जुड़ सकें और लगातार हमारे सभी वीडियोस को देख सकें। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप लोगों के लिए जो हम प्रयास कर रहे हैं वो आपको भी पसंद आ रहा होगा, और आपको कहीं भी कोई भी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज तुरंत सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए और आप लगातार हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।